ये बिहार के पटना में, जहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए वो सड़कों पर आ गए। विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने विरोध किया है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ये विधानसभा के बाहर पहुंच गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। विधानसभा के गेट के ठीक बाहर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी। पुलिस ने कर्मचारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। दरअसल ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये बिहार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं। इसी के चलते गुस्से में हैं और इकट्ठा होकर पहुंच गई विधानसभा के ठीक बाहर। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मानदेय को दोगुना करने की मांग की है। वो कह रही है कि हमारा मानदेय दोगुना होना चाहिए, बिहार सरकार ने वादा किया था, पूरा नहीं किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की है। सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलने की मांग भी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए हो रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। चार तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, बिहार के पटना में कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिहार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि शीतकालीन सत्र का दूसरा ही दिन था और विधानसभा के ठीक बाहर पहुंच गई, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया कि सरकार ऐसे इनकी बात सुनने वाली है नहीं और इसीलिए ये तरीका इन लोगों के जरिए अपनाया गया। साथ ही कह रही हैं कि सरकारी कर्मचारी होने का उन्हें एक मान मिलना चाहिए, उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए, इस तरह का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। इस मांग को लेकर सड़कों पर आ गई। साथ ही कहने लगी कि मानदेय दोगुना हमारा होना चाहिए, बिहार सरकार ने वादा तो किया था लेकिन वो वादा उनके जरिए पूरा हुआ नहीं है। पटना में प्रदर्शन की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कर्मचारियों पर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ और फिर हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज की भी खबर है। दर्जा देना होगा।